लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पीछे दिख रहा है अम्बेडकर नगर रबाले का इलाका है, जहां एमआईडीसी ने पंप हाउस के लिए ज़मीन आरक्षित की थी, लेकिन अब उसे दूसरे किसी प्रतिष्ठान को बेच दिया गया है। वहां पर पंप हाउस नहीं बना है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अम्बेडकर नगर से निकलने वाला शौचालय का मलबा और गटर का सारा पानी अब उस जगह पर आ रहा है जो यहाँ पर अंडरपास बना है। अब मैं आपको चाहता हूँ कि वो अंडरपास दिखाऊँ, जहाँ पर पूरे अंबेडकर नगर इलाके का जो गटर का पानी है वो अंबेडकर नगर के इस अंडरपास पर किस तरह से बाहर निकल रहा है, उसमें गंदगी और मलबा कितना है, जो यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। आप मेरे पीछे जो दिख रहे हैं, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। इस अंडरपास का काफ़ी समय से इसका निर्माण चल रहा था। मकसद ये था कि ऐरोली की तरफ से साफ सुथरे तरीके से लोग अम्बेडकर नगर में प्रवेश करेंगे, लेकिन इसकी हकीकत यह है कि आज इस पूरे अंडरपास पर अम्बेडकर नगर के गटर से जो आने वाला मलबा है वो इसी तरह से सड़क पर बह रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत है। अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, इसके बावजूद ये हालत है कि जिस होल को, इस अंडरपास के जिस होल को बनाया गया है ताकि इस सड़क पर भरने वाले पानी का निकासी हो सकेगा, लेकिन आज हकीकत यह है कि इसी होल के जरिए ओवरफ्लो हो रहा है, मलबा और गंदगी पूरे सड़क पर बह कर आ रही है। और इसी का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा था जब पंप हाउस की बात चल रही थी कि अगर पंप हाउस नहीं बनता वहाँ पर तो पूरे अम्बेडकर नगर का जो शौचालय और उसके गटर का मलबा है वो निश्चित तौर पर इसी तरह से सड़कों पर बहेगा। और उसका ये पूरा ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये पूरा मलबा जो है ये रोज़ सड़कों पर इसी तरह से बह रहा है, जबकि अभी इसे 15 दिन ही हुए खोल के। ऐसे में ये बड़ी मुसीबत आने वाले समय में हो सकती है, जब बारिश का टाइम आएगा तो जब यहाँ पानी भरेगा, जब अम्बेडकर नगर के गटर और शौचालयों का मलबा बाहर निकलेगा उस वक्त इस अंडरपास की हालत क्या होगी। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार इसकी मांग अम्बेडकर नगर के रहवासी कर रहे हैं। स्थानीय जो नगर सेवक रह चुके हैं, पूर्व महापौर सुधाकर सुनाव ने लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। वहाँ 40,000 रहवासियों की मुसीबत का ये मामला है, जिसको लेकर राज्य सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार, MIDC, महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन को भी इसके बारे में लिखा जा चुका है, शिकायत की जा चुकी है कि कहीं ना कहीं अगर पंप हाउस नहीं बनता है तो निश्चित तौर पर ये जो मलबा है शौचालय का और भी सड़कों पर आएगा और यहाँ के 40,000 रहवासियों का जीना हराम हो जाएगा। ये मलबा ऐरोली की तरफ भी जाएगा, जो ये आप रास्ता देख रहे हैं। उस वक्त सोचिए कि जो महानगर पालिका का अभियान चल रहा है, जो भारत सरकार का अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ मुंबई अभियान, उसका क्या होगा। जिस अभियान में महानगर पालिका को नंबर 1 का पुरस्कार मिला है, उस मुंबई महानगर पालिका का ये एक इलाका है जिसका हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की यह हालत है। और ये हालत अभी सामान्य हालत है। अभी आप देखेंगे जिस वक्त और भी मलबा अगर आएगा, इस गटर के जरिए ओवरफ्लो होगा अगर सड़क पर, उस वक्त यहाँ के नागरिकों की सेहत का क्या होगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा, वो किस तरह से इस बदहाली के बीच से गुजरेंगे, ये बड़ा सवाल है। अम्बेडकर नगर की जनता लाख चिल्ला रही है, पुकार रही है, सवाल कर रही है, मांग कर रही है, शिकायत कर रही है, इसके बावजूद भी नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन, MIDC प्रशासन और राज्य सरकार जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जनता की मुसीबतों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर ये भयंकर जो मलबा आप देख रहे हैं ना, यहाँ से आप गुजर नहीं सकते, ऐसी कंडीशन, इसकी ऐसी हालत होने वाली है। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी समस्या है। लोकतंत्र दिवस पर इतना तो हम जरूर मान सकते हैं कि जनता की सुनवाई होगी, लेकिन नहीं हो रही है। इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान है, उन्हीं से पूछते हैं क्या अम्बेडकर नगर के रहवासियों की सुनवाई हो रही है। फिलहाल तो नहीं हो रही है, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल कोई भी नहीं कर रहे। इतना सारा ये करोड़ों रुपए खर्च करके जो ये इतना सारा लोगों की सुविधा बनाई है, एक पंप हाउस के कारण ये सब
अभी अभी नया 10-15 दिन हो गए यहाँ पर जो चालू हो के रास्ता, तो भी यह रास्ते की हालत अभी से है, तो बारिश में क्या होगा। बिल्कुल, और बारिश में तो पूरा ओवरफ्लो हो के लोग यहाँ से जाने के लिए भी दिक्कतें आएगी, लोग बीमार भी गिरेंगे, और ऊपर से बहुत सारे लोग हैं, 40,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, तो सभी लोगों को दिक्कतें बढ़ सकती है, बीमारी फैल सकती है, बाल बच्चे बीमार हो सकते हैं, उनके भी भविष्य का तकलीफ का भविष्य का और उनके तबीयतों का ये प्रश्न है। प्रश्न बड़ा प्रश्न है, उनकी सेहत का प्रश्न है, बच्चों की सेहत का प्रश्न है। आपका नाम क्या है? नीलेश जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई जो अम्बेडकर नगर की जनता है, जो महानगर पालिका और MIDC से मांग कर रही है, सरकार से मांग कर रही है, यहाँ के स्थानीय लोक प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं, कोई सुनवाई हो रही है क्या? लेकिन ये जो चल रहा है, ये सब अभी यहाँ से जो लीकेज हो रहा है, ये कुछ बहुत गंदगी फैलने वाली है आने वाले समय में। जो बारिश के पहले ये हालत है, तो बारिश के जब चालू हो जाएगी तो यहाँ पर पूरा बीमारी का साम्राज्य पैदा हो जाएगा। तो ये सब दिक्कत आने वाली लोगों को, ये जाते हैं जो पादचारी लोग हैं यहाँ पे, तो उस पर आने जब गाड़ी जाती है तो गंदगी ऐसी उड़ेगी, तो उसमें बीमारी भी फैल जाएगी ना। अभी लोकतंत्र दिवस है, ये कहा जाता है कि ये जनता के लिए है, जनता द्वारा है, जनता का है। आपको लगता है कि जिस तरह से जनता तकलीफ में है और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो ये कैसा लोकतंत्र है? बरोबर है, अधिकारी लोग सुन ही नहीं रहे ना, ये लोकतंत्र थोड़ी ना बोल सकते। इसे लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये सब जो शासन में जो नौकर बैठे हैं, उन लोग सुनना चाहिए ये आम जनता का। ये जब सब जब ये सब गंदगी फैल रही है, इस पर ध्यान कौन देने वाला है? ये सब ध्यान देने वाले जो महापालिका में बैठे अधिकारी, उन्हें ध्यान देना चाहिए ना। ये जो गंदगी जो फैल रही है, ये ठीक नहीं। ये पंप हाउस का कुछ तो ये होना चाहिए, यहाँ पे पंप हाउस नहीं, ये तो पूरा लीकेज हो रहा है, यहाँ जो पूरा ओवरफ्लो होकर पूरा गंदगी बाहर आ रही है। बारिश में तो पब्लिक को, आम जनों को बहुत तकलीफ होने वाली है, बारिश में और भी भयंकर तकलीफ होने वाली है। अब इस अंडर पास के दूसरी तरफ का हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह की कंडीशन है। ये जो बनाया गया है, ये जो अंडर पास में ये जो होल बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ से इस अंडर पास ये रोड पर जो भरा हुआ पानी है उसकी निकासी हो सके। लेकिन असल में अब ये उल्टा काम आ रहा है। उल्टा काम ये है कि अब यहाँ से फ्लो हो रहा है गंदगी पूरे सड़क पर आने के लिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं रखा गया। अगर वहाँ पर पंप हाउस बनता तो उसके जरिए सारा का सारा मलबा ये SGP प्लांट तक चला जाता था, जो बहुत आसान होता। लेकिन इसके अभाव में क्या हो रहा है, आप देखिए, पूरे सड़कों पर अभी से इस तरह की ये इतनी बड़ी गंदगी फैलने लगी है कि लोगों के लिए, सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये आने वाले समय में और भी मुसीबत ये पैदा करेगा। आप देख सकते हैं, ये पूरा लाइन से ये पूरा जो अंडरपास है, ये पूरी गंदगी में भरा पड़ा हुआ है। अभी ये हालत है जहाँ से आप पैदल गुजर नहीं सकते। और ये इलाका जो है, ये अंडरपास जो है, ये अरौली को जोड़ता है। अम्बेडकर नगर का अंडरपास अरौली और अम्बेडकर नगर को, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे में आप देख सकते हैं, इस तरफ अम्बेडकर नगर है जहाँ पे 40,000 लोग रहते हैं, 40,000 लोगों की बस्तियाँ, प्रभाग 19 और 20 का वो इलाका है, और ये पूरा अरौली का जो शहरी इलाका है जहाँ पर लाखों लोगों की बस्तियाँ रहती हैं। आप समझिए, ये पहाड़ी का ऊंचाई हिस्सा है। ऐसे में इधर से जितना भी गटर का पानी और शौचालय का मलबा आएगा, वो सीधे इसी रास्ते से होकर, इसी अंडरपास से होकर पूरा अरौली क्षेत्र में फैल सकता है, और ये खतरनाक स्थिति है। कहीं ना कहीं इस पर MIDC, महानगर पालिका और राज्य सरकार, ये तीनों को गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। एक पंप हाउस बनना था जो शौचालयों का जितना भी मलबा है और वहाँ उसका पानी जो है वो SGP प्लांट तक भेजना था, लेकिन उस पंप हाउस की जगह पर कुछ और निर्माण हो गया, इसकी वजह से वहाँ पंप हाउस नहीं बन पाया। और यही वजह है कि वो गटर में छोड़ा जा रहा जितना भी पानी और मलबा है, वो अब पूरी तरह से ड्रेन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से इस होल के जरिए ये ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ पर गंदगी बढ़ रही है। इस वक्त कुछ और यहाँ पर राहगीर हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि जिस तरह से ये अंडरपास अभी महीने भर 20 दिन पहले जो जिस तरह से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर मलबा और गंदगी जो ओवरफ्लो हो रही है, उन्हें कितनी मुसीबत दिख रही है कि ये आने वाले समय में बड़ी मुसीबत होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? सही नहीं है गंदगी, सही नहीं है, अच्छा नहीं है। क्या होना चाहिए? साफ सुथरा रहना पड़ता है। अभी ये हालत है तो बारिश में क्या हो सकता है, आपको लगता है? और गंदा हो जाएगा, ज्यादा गंदा हो जाएगा। और गंदा हो सकता है। क्या अंकल, क्या कहना चाहिए? आपको लगता है कि ये लोगों की सेहत के लिए सही? नहीं, सेहत के लिए सही नहीं। अभी इतना बीमारी है और ये सब गंदगी है तो कैसे चलेगा? और ये तो साफ सुथरा होना चाहिए। अभी इसको 20 दिन भी नहीं होगा, अभी ऐसा हो रहा था, अभी बारिश में कैसा होएगा? अभी 20 दिन भी नहीं हो गया, इतना गंदगी और नाला वाला ये कहाँ से बह रहा है,
कम से कम शुद्ध तो होना चाहिए। पानी ये देखो पूरा रोड में जा रहा है, जब अभी हो रहा है तो बाद में क्या होएगा, इसका सुधार तो नहीं हो। क्या कहना चाहेंगे भाई? सर अभी तो इतना गंदी है, बाद में बरसात में तो पूरा गंदगी हो जाएगा। अभी से पूरा काई बैठ गया, अभी इसमें आदमी गिरेगा, गंदगी पानी आ रहा है, तो इसके लिए सर इसको तो इसमें शिकायत होना चाहिए। ये तो गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। हाँ, जो भी हुआ है गलत हुआ है। हाँ, मतलब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। क्या क्या कहना चाहोगे भाई आप नौजवान हो, क्या क्या आपको लगता है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इसको बन के ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी जस्ट फर्स्ट ये फर्स्ट अभी मन चालू इसका बंद करके, तो ये सब जो गंदगी आ रही है इसको तो देख के अच्छा लग रहा है नहीं। कोई गाड़ी स्लिप हो सकती है रात के टाइम, या फिर चलने भी किसी को इसको बास आ सकता है। सारा का सारा पानी वहाँ पे देख सकते हैं आप, जमा भी हो रहा है। आप वहाँ पे कैमरा थोड़ा घुमा देना, वहाँ पर सारा का सारा पानी जमा भी होता है। और ये क्या है, बारिश के टाइम पर इसका कुछ ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाएगा। सो इसके लिए एक पम्प हाउस मीन्स होना ज़रूरी है, जो पम्प ये जो है वो होना ज़रूरी है, और काफ़ी यहाँ के नागरिकों के लोग के लिए भी होना ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ 40,000 नागरिक रहते हैं, तो 40,000 नागरिकों का सारा मलबा वलवा जो भी है, सो उसके लिए कुछ सरकार को जुगाड़ करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नहीं, जो महानगर पालिका है उसके वो तो करेगी शायद, इतना सारा काम करता है ये। और महानगर पालिका की वजह से आज ये जो हमारा नई मुंबई है वो पूरे इंडिया में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। सो महापालिका करेगी, कुछ टाइम भले लगे बट महापालिका करेगी। यहाँ पे जो हमारे जो विधायक हैं ये सब हैं, इनके पर हमारा पूरा पूरा भरोसा है। विधायक पर भरोसा है, महानगर पालिका और सिडको पर भरोसा लोगों का इसलिए नहीं जम रहा है कि ये अभी एक मुसीबत का ट्रेलर है, जिसको जो जनता उसकी आशंका जता रही थी और इसका प्रत्यक्ष अभी दिखने लगा है, और ये इससे भी भयंकर मुसीबत आने वाले समय में पैदा होने वाली है। तो जाहिर सी बात है अभी महानगर पालिका और MIDC दोनों को इस सीरियस प्रॉब्लम के लिए तत्काल समाधान ढूंढना पड़ेगा। वहाँ पर जो पंप हाउस की मांग चल रही है उस पंप हाउस को बनाना पड़ेगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब बारिश के दौरान जब शौचालय और गटर का मलबा इसी तरह से फ्लो होकर इसी अंडरपास के जरिए पूरे एरोली और अम्बेडकर नगर में फैलेगा, और तब नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत होगी। और उस मुसीबत को उस वक्त टाल पाना MIDC और महानगर पालिका किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।